हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो है संडे के दिन की, तो आज के वीडियो में मैं संडे और मंडे दोनों दिन की वीडियो ज्वाइन करके डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंडे के दिन छुट्टी था और लॉन्ग वीकेंड था। यहाँ पर मंडे लेबर डे था यहाँ पे, तो छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि मैं दोनों वीडियो ज्वाइन करके शेयर कर देती हूँ कि कैसा रहा। तो बस जस्ट मैं यहाँ पे नहाई हूँ और आज यहाँ पे संडे, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था, तो सुबह से वही देख रहे थे और सुबह नाश्ता वगैरह करते करते देख रहे थे। और बस मैं उसके बाद तुरंत उठी, नहाई, भगवान जी के सामने दिया जलाई और बस यहाँ पे मैं सिंपल सी दाल टिक्की बना रही हूँ आज। तो मैंने अरहर की दाल धोई और उसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक चॉप करके डाली, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के। और यहाँ पे मैं ये आटा दिखा रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल के, नमक डाल के अच्छा सा डो रेडी कर लिया है और इसको ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। और चौका बेलन नहीं यूज़ कर रही हूँ, ऐसे जल्दी में बना रही हूँ, तो बस ऐसे हाथ से ही ऐसे टिक्की बना दी है छोटी छोटी। आपको लगे तो इसको तवे पे सेक के भी डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही अभी डाल दे रही हूँ क्योंकि जल्दी में बना रही हूँ। बस इसमें एक उबाल आने दीजिए, फिर उसके बाद टिक्कियाँ डाली, नहीं तो पूरी टिक्की फंस जाएगी। बस यहाँ पे दाल टिक्की 5 मिनट में रेडी हो गई थी और इसमें तड़का वगैरह भी कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने भजिया बनाई थी तो वो खा लिए थे, तो अभी इसीलिए सिंपल खाने का मन कर रहा है बस। और बस यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डाल के बैठूंगी, मैच भी देखते रहेंगे साथ साथ में और इसको भी खाते रहेंगे। तो आगे क्या करेंगे अभी तो कुछ श्योर नहीं है, बट जैसे जैसे जो भी करते हैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। और वीडियो पर अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस उसके बाद में यहाँ पे शाम हो गई है और हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेबर डे है ना, तो कुछ कुछ ऑफर हम लोग को लगा होगा, कुछ लगे थे, कुछ शॉप में लगे थे, कुछ शॉप में एकदम नॉर्मल प्राइस था। तो बस बोर हो रहा था घर पे बैठ के, और 2 दिन की छुट्टी है अभी ऑलरेडी, नहीं तो ऐसे संडे के दिन शाम में ना हम लोग कहीं नहीं निकलते, क्योंकि मंडे से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में, तो कहीं जाते नहीं। बट मंडे भी छुट्टी था और बैठ के बोर हो भी हो रहा था, तो मॉल चले आए थे। बस यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे और जो ली हूँ वो घर पे चल के दिखाती हूँ मैं। और अभी मैं आपको गाउन के सेक्शन में ले चलती हूँ, जो यहाँ पे गाउन मिलते हैं, मैरिज वगैरह में यहाँ पे लोग ऐसे ही पहनते हैं। तो मैं भी एक अपने एनिवर्सरी पे आई थिंक 2 साल पहले लिया था और काफ़ी सुंदर था वो भी, और पिक्चर मैं आगे ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी इसलिए वीडियोस आप लोग नहीं देखे होंगे। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही चेक कर रही थी कि अगर प्राइस वगैरह लो रहा तो फिर करवा चौथ के लिए देख रही थी या दिवाली के लिए देख रही थी, बट ऐसे कुछ अभी समझा नहीं यहाँ पर। और भी दिन आएंगे, अभी टाइम है उसमें, तो फिर देखते हैं कि क्या पहनती हूँ। मुझे फिर हो रहा साड़ी पहनूँ, फिर मुझे लग रहा है अच्छा गाउन ले लेती हूँ। बस यहाँ पे वही चेक कर रही थी कि देखते हैं क्या अभी प्राइस चल रहा है। थोड़ा ये कॉस्टली होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही सुंदर होता है, और जितना देखने में हैवी होता है उतना पहनने में उतनी हैवी नहीं होती, हल्के कपड़े में होती है और काफ़ी सुंदर होती है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और जो मेरा गाउन है ना उसकी पिक्चर मैं अभी आगे ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं किसी वीडियोस में डिटेल में वो उसको दिखाऊंगी जब निकालूंगी। तो अभी तो मैंने उसको अंदर डाल दिया, सिर्फ एक दिन उसको पहना था। तो बस यहाँ पे ये सब देखने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर और घूमूंगी, फिर उसके बाद घर चलती हूँ, तो दिखाती हूँ कि क्या लिया है मैंने। और ये जो मैं दिखा रही हूँ गाउन ना, वो वैसे ही मेरा सेम था, इसीलिए मैंने इधर पिक्चर लगा दी है। और अभी ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा था और इसीलिए मैंने अभी नहीं लिया है। और ये वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, अगर इसमें कोई और कलर होता ना तो मैं सोचती, लेकिन इसमें सिर्फ वाइट था तो मुझे अभी नहीं जमा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वाइट की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि वाइट कहीं भी नहीं ऐसे पहन पाऊँगी मैं फिर, तो इसीलिए नहीं लिया। अगर मैंने दूसरा कलर देखा लेकिन उसमें नहीं था, तो फिर बस ये सब देखने के बाद में यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते ना काफ़ी अच्छा खासा वॉक हो जाता है यहाँ पर मॉल में, और काफ़ी बड़ा मॉल है ना, तो ऊपर नीचे घूमते फिरते,
काफी पैर दुखने लगता है। बस यहाँ पे बैठूंगी और जस्ट फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग वॉलमार्ट के लिए, क्योंकि दूध नहीं ले गए थे कल। हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे सैटरडे के दिन, बट वेजिस वगैरह लिए वॉलमार्ट ही गए थे, बट दूध नहीं लिए क्योंकि फैब्रिक खोज रहे थे ना, उसमें ध्यान ही नहीं दिए कि दूध मैंने नहीं लिया। तो बस एक डब्बा दूध लिए वहां से वॉलमार्ट से, और कॉफी भी खत्म हो गई थी तो आज कॉफी पीने का मन कर रहा था। हम लोग वैसे ही चाय ज्यादा पसंद करते हैं तो चाय ही ज्यादा पीते हैं। कॉफी खत्म हो गई थी तो कभी कभी मुझे मन करता है पीने का, ये तो बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं, पहले पीते थे बट अभी बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी के लिए मैंने ले लिया है। और अभी मैं क्या लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। दूध एक साइड रख दिया है, बन रहा है, और पानी वगैरह इनको बॉटल चाहिए था तो वो दे रही हूँ यहाँ। और मैंने ये लिया है एक स्कार्फ, उलन स्कार्फ है और काफ़ी सुंदर है। और इसको मैं ना सात आठ महीने हो गए सेम यही मुफलर मैं देख के आई थी, और ये उस टाइम फुल प्राइस में था तो मुझे पसंद था, बट फुल प्राइस में था तो मैंने उस टाइम नहीं लिया था। और अभी मुझे यही सेम मिला और ये 50% ऑफ चल रहा था तो मुझे लगा चलो ले लेते हैं। और उसके साथ मैंने एक बेल्ट लिया है और ये बेल्ट उसके साथ फ्री मिला है, और एक सामान पे एक सामान फ्री था तो आप समझिए चाहे ये फ्री है चाहे वो फ्री है, तो मुझे एक चीज़ फ्री मिली है। और मुझे ऐसे ही लूज कोई ड्रेस हो ना तो उसके लिए बेल्ट भी देख रही थी, तो दोनों आज ऑफर में चल रहा था तो मैंने ले लिया। बस उन सबको रखूंगी। और यहाँ पे मैं अब ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ और थोड़ा सा निकाल भी अपने लोग के लिए, जो भुना चना होता है ना मसाले वाला है, अच्छा है, मिर्ची और नमक ऊपर से मिली हुई है। तो बस कॉफ़ी बन गई है यहाँ पर, अब यही चाय पियेंगे और थोड़ा सा उसके मतलब कॉफ़ी पियेंगे और इसके साथ ये चने लेंगे। बस यहाँ पे रात का बना रही हूँ अभी मैं डिनर, और डिनर में मैंने आलू बैंगन की जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना वो बना रही हूँ। तो बस डिटेल में नहीं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बस ऐसे ही मतलब आपको मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ बस। तो बस यहाँ पे आलू बैंगन मैंने डाल दिया है, पानी वगैरह डाल दिया, एक साइड रखूँगी पकने के लिए, और इधर रोटियाँ बना लेती हूँ। तो आज रात का डिनर हम लोग का यही रहेगा। बस इसके बाद आज की वीडियो में मैं कुछ और नहीं शेयर कर रही हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट डे के वीडियो में मिलती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, और मतलब मंडे की वीडियो है। यहाँ पे मैं ये कवर काफ़ी पहले बनाई थी तो अभी इसका अंदर का जो पिलो है ना वो नहीं बना पाई थी, तो मुझे लगा आज इसको भी बना देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ। और ये वीडियो भी मैं काफ़ी पहले ये शायद पिलो मैंने दिखा चुका है, मतलब पिलो कवर दिखा चुका है, और जब मैं ये बना रही थी उसके बाद ही मैंने इसमें उसको ये भी दिखाया, बट इसको कंप्लीट कर लिया था, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, और जो काम छोड़ दो ना तो फिर पड़ा ही रहता है काफ़ी दिन। इसके लिए मैंने रुई और जो नीचे का कवर है ना वो बनाने के लिए कपड़ा निकाल के रखा है, बस अभी सिला नहीं है। तो बस ये सब बाहर निकाली हूँ ना, निकाले रहूँगी तो फिर बैठे बैठे टीवी देखते बन जाता है, नहीं तो फिर अंदर रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसीलिए सुबह में ही निकाल के रख दी हूँ। और आज हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, बस यहाँ पर जा रही हूँ, नीचे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हैं, बस उसको वो सूख गया है, बस उसको लेके आती हूँ। और अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, बस कपड़े लेके चलेंगे, कपड़े फोल्ड करते हैं। तो ये है मेरा वॉशर एंड ड्रायर हॉल, मतलब जहाँ पे कपड़े हम लोग वॉश करने के लिए लगाते हैं। तो कॉमन रहता है, 10-5 ऐसे ड्रायर हैं, 10-5 ऐसे वॉशर हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े मेरे सूख गए हैं, बस ले जाके इन्हें फोल्ड करके रखना ही रहेगा। बस यहाँ पे बैठूंगी, टीवी चलाऊंगी, आराम से टीवी देखते देखते सारा कपड़ा फोल्ड कर दूंगी। और देखिए इतने ढेर सारे कपड़े एक मिनट में साफ होके सूख के आ गए हैं। बस कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं जहाँ पे जो कपड़े रखे जाएंगे अपनी जगह। और यहाँ पे मैं ये कवर मतलब पीलो बना रही हूँ अंदर का, तो इसके लिए मैंने बेडशीट का मेरा कपड़ा है ये नीचे वाला, और बेडशीट मेरा ख़राब हो गया तो किनारे किनारे के कपड़े अच्छे थे तो उससे मैंने कवर बना दिया है ये। और एक पीलो ख़राब हो गया था, रुई उसकी जो लगाते लगाते दब जाती है तो वो मैंने रखा था, तो बस उसका रुई ऐसे फिर से
हाथ से खोल दिया है ना तो फिर से ठीक हो गया है। बस इसका हाथ से मैं जो एक किनारा है ना इसको हाथ से ही स्टिच करूँगी क्योंकि मशीन अभी इस पर नहीं चल पाएगा। बस उसका जो मुँह है उसको बंद कर दूँगी सुई धागे से और यहाँ पर देखिए हो गया है पूरा स्टिच और बस इसमें लगाना ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए कुशन कवर तैयार हो गया। इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी की है और जो ये रेड कलर का पैच है ना ये मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने लगा दिया था। और ये कट पीस का जो ग्रीन वाला कपड़ा है ना कट पीस में लिया था तो वो क्रोशिया का बनाया था छोटा छोटा। और ये मैं वॉल हैंगिंग के लिए बना रही थी बट फिर ख्याल आया कि चलो ऐसे कुशन कवर छोटा सा बना देती हूँ। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोनों अलग अलग टाइप है, बिल्कुल फैब्रिक वही है लेकिन दोनों एक पे एम्ब्रॉयडरी की है एक में क्रोशिया वर्क है। तो आज ये भी काम मेरा कंप्लीट हो गया। बस इसके बाद दोपहर का 3-4 बजे का टाइम हो गया रहेगा और यहाँ पे बस मैं पपीते लेके आई थी और उसको कट करूँगी, थोड़ा थोड़ा वो खाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जिम वगैरह देखते हैं, निकलते हैं चाय के बाद या फिर चाय के पहले जैसा रहेगा। तो वीडियो का एंड मैं यहीं कर दूंगी अब। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।